सुवा से होने वाले बेनिफिट यानी फायदे के बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि सोवा की ताजी या सूखी पत्तियों का उपयोग खाने के साथ साथ जड़ी बूटी के रूप में भी इस्तेमाल होते आ रहा है, जैसे कि सब्जी, अचार, सलाद या फिर और कई स्वादिष्ट में इसका उपयोग बहुत ही ढंग पूर्वक से किया जाता है। इसमें कैलोरी और वसा काफी कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यह सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। इसका उपयोग कई और तरीकों या औषधि बनाने में भी किया जाता है। तो आइए आगे जानते हैं इससे होने वाले बेनिफिट यानी फायदे के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल में दिख रहे घंटी को दबा दीजिए ताकि हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले मिलती रहे। तो फायदे नंबर 1, पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मददगार। दोस्तों, सोवा में मौजूद गुण पाचन क्रिया में सुधार लाने में बहुत ही मदद करता है। यह पेट में अम्ल के स्तर का प्रबंधन कर सांस में बदबू और एसिड रिफ्लेक्शन की समस्या को कम करके खराब पेट, डायरिया और आंतों में उत्पादित गैस की मात्रा को कम करता है, जिससे पाचन क्रिया हमेशा ठीक रहता है। इसके अलावा फायदे नंबर 2, मासिक धर्म में उपयोगी। सोवा युवा महिलाओं में मासिक धर्म के प्रवाह में अत्यंत सहायक होता है। अगर इसके पत्तियों को प्रतिदिन साग बनाकर खाया जाए तो मासिक धर्म में होने वाली सारी समस्याएं बिल्कुल रूप से दूर हो जाती है। इसके अलावा फायदे नंबर 3, गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद। सोवा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। नियमित उपयोग करने से स्तन का दूध की मात्रा बढ़ता है। इसके अलावा फायदे नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में फायदेमंद। दोस्तों, अगर बराबर मात्रा में सोवा और मेथी के बीजों को मिक्स करके पाउडर बना लें और इसे एक बोतल में भर लें तथा दिन में 2 बार 2 चम्मच चूर्ण के साथ 1 गिलास पानी का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।